तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार उत्तराखंड आए। उनके आने से कांग्रेसी नेताओं में काफी उत्साह था, लेकिन इससे पहले कि उनकी जनसभा होती एन मौके पर अनुमति न दिए जाने पर गुस्साए कांग्रेसियों ने पुलिस मुख्यालय पे कई घंटों तक हंगामा किया। पुलिस लाइन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति न मिलने पर गुस्साए कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में पुलिस मुख्यालय को घेर लिया और कई घंटों तक हंगामा करते रहे। मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें दखल दिया। उनके दखल से मामला शांत हुआ और अनुमति मिल गई। शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की स्थिति देखने पहुंचे। जब उन्हें वहां पता चला कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो उन्होंने एसएसपी अजय सिंह को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बैठक में व्यस्त होने के चलते बात नहीं हो पाई। धस्माना ने बताया कि इसके बाद उन्होंने डीजीपी अभिनव कुमार को फोन किया, लेकिन बाहर होने के चलते उन्होंने एसडीजी से बात करने को कहा, जिसके बाद एसडीजी ने मामले में जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस बीच वो बात करते करते पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वहां बात बनती न देखकर कांग्रेस अध्यक्ष मेहरा और उपाध्यक्ष धस्माना धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम नेता पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष आर्य और पुलिस अधिकारियों के बीच तकरार हुई। नाराज कांग्रेस के नेताओं ने करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। धीरे धीरे पुलिस मुख्यालय के बाहर कई कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलने पर सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष आर्य और प्रदेश अध्यक्ष मेहरा को फोन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष को हेलीकॉप्टर की अनुमति दे दी जाएगी। इसके कुछ देर बाद ही अनुमति मिली, जिसके बाद ही हंगामा रुका और कांग्रेसी वहां से चले गए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।